गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पाठ 19 महाकवि कालिदास तेना लेखक से नरपत बारहट हड़वेचा। तो विद्यार्थी मित्रों, आज ये पाठ से तेनो साहित्य प्रकार आए जीवनी से। हवे आपणे लेखकनो परिचय मेळवीशुं। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हड़वेचा ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है। एमने MA BEd नी डिग्री प्राप्त करी हती। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। उनकी विशेष रुचि काज लेखक में लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों के समझ में यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया, वे वंदनीय है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुष को जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज ये पाठ से एमा महाकवि कालिदास विषय आमा समझ आपवामां आवी छे। तो हवे आपणे आ पाठ भणीशुं। कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। हर्षचरित के स्वरूप में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। अहीं कहे छे कि कालिदास जे हता एमने संस्कृतना ए महाकविना रूप में अपने एमने जाणीए छीए, परंतु स्वयं महाकवि कालिदासे पोताना विषय में कशुं लख्युं छे नहीं। अने आपणने आ बधी वात हर्षचरित में जे शुरुआत थाय छे त्यारे कवि बाणने कालिदासनो आमां उल्लेख करवामां आव्यो छे। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। अहीं कह्युं छे कि एक स्थान छे एमां स्वयं कालिदासे एमनु नाम विक्रम नामनो उल्लेख कर्यो छे। वह कौन सा विक्रम है इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितने ही कथाओं का नायक बनाया गया है। एटले एमने ए मानवामां आव्युं छे के जे राजा विक्रमादित्य हता अने राजा भोज एमना समकालीन हता एवं मानीने एमना उपर केटली कथाओं अने नायक बनावामां आवेलुं छे। विभिन्न भाषाओं में पहेलिया और लोककथाओं में उनकी विधता कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। एमनी जे पहेलियों छे अने लोककथाओं छे एमनी विधवता अने कविताओं आपणे चमत्कारिक प्रसंगों आ बधुं ज जाणवा मळे छे। एमनुं वर्णन आ बधुं छे। हवे एमनो जन्म अने तेमनो परिचय। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वीसन तथा निधन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में ठीक ठीक पता नहीं चलता। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी वर्तमान उज्जैन माना है, जो सभी सही लगता है क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। अहीं एमनो जन्म बतावामां आव्यो छे कि एमनो जन्म 365 में एमनुं मृत्यु 445 में थयुं हतुं अने कालिदासनो जे जन्म नुं स्थान ठीक ठीक मालूम पड़े छे, बहु पड़तुं नथी। अने कोई विद्वान हता जे एमने एमनुं जन्मस्थान उज्जैनी बतावामां आव्युं छे ने बधाए साचुं पण मान्युं छे, कारण के लख्युं छे कि स्वयं मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय कहा है अने त्यां कह्युं छे कि जे लांबो रस्तो पड़े छे त्यानो पण जे बादल हता एनी जोड़े पण अनुरोध करेलो छे। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी।
साहित्य और कला की उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। जे राज्य हतु ए राजा विक्रमादित्यनु राज्य हतु अने त्यानी प्रजा एकदम सुखी हती अने साहित्य अने कला में उन्नति अने चरम सीमा पर पहुंचेली हती। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति हुई उतनी कभी नहीं हुई। जे विक्रमादित्य था एमना शासनकाल में खूबज वैभव हतो अने जेटलो वैभव हतो एनाथी अने आपणा देशनी जे साहित्य तथा कलानी उन्नति थई एटली तो क्यांय पण बीजे क्यांय थई नथी। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए। आजे युग हतो विक्रमादित्यनो त्यारे ए थई गया त्यारे जे कवि हता, साहित्यकार हता ने वैज्ञानिक हता ए बधा ए युग में उत्पन्न थयेला हता। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में ही अधिक हुई। जे राजा विक्रमादित्य हता ए साहित्य अने संगीतना खूबज जानकार हता अने संस्कृत भाषा की उन्नति माटे आ काल में खूबज अधिक थई छे उन्नति आ भाषा की, संस्कृत भाषा की। अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास बीजा हता जे 8 ए कविना दरबार में नवरत्न कहवामां आवता ने नवमा जे हता ए कालिदास एटले नवरत्नो मानवामां आवता। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। जे कालिदास हता ए भणेला हता नहीं युवावस्था सुधी। जिस डाल पर बैठते उसी से ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। कहे छे के जे डाड़ी पर बेसता हता अने ए डाड़ी ने कापता हता एटले ए पोते भणेला न हता अने एटला विद्वान पण न हता एटले एमनी पाछड़ बहु मोटी विचित्र अने रोचक वार्ता छे। उन दिनों शारदानंदन नाम के एक राजा थे। उनके एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी जिसका नाम विदोत्मा था। एक शारदानंदन नामना एक राजा होय छे अने एमने गुणवती अने विद्वान पुत्री होय छे अने तेनुं नाम विदोत्मा हतुं। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई है एटले के फैली हती कारण के एनु रूप अने गुण अने ज्ञान खूबज प्रशंसा लायक हतुं अने बधा देशों में ये फैली हुई हतुं। विदोत्मा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने एक घोषणा कर रखी थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। विदोत्मा जे हती एने पोताना गुणनू अने ज्ञाननू बहु घमंड हतुं एटले एने कह्युं कि अपने विवाह के संबंध में उसने घोषणा करी थी कि जे शास्त्र में एने हराई देशे एनी जोड़े ज एनो लग्न करशे एटले ते आ रीतनी शरत मूके छे। तो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे આગળનો પાઠ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં ભણીશું ત્યાં સુધી તમારે ઘરેથી આ પાઠનું વાંચન કરવાનું છે. થેન્ક યુ.